आपको ऐसे बनानी है जो मैं आप बता रहा हूं। तो देखो क्या करना है, तो मैं हम क्या सीख रहे हैं तो वो समझते हैं। पहले तो हम लोग सीख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ध्यान से सुनना, सुनते जाना है, अभी लिखो भी मत। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट। समझो अब ये क्या कह रहा हूं। जैसे आप लोगों को लीनियर वेलोसिटी के बारे में बताया जाता था, तो क्या बोलते थे हम लोग? हम लोग बोलते थे हमेशा, रिलेटिव पढ़ते थे ना, रिलेटिव। तो ये ओरिजिन था, और यहाँ पे एक पार्ट, ये एक्स एक्सिस है मान लो, और यहाँ पे एक पार्टिकल है पी, तो उसका आप बोलते थे ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, एक्स। और फिर ये डीएक्स चलता था, तो बोलते थे डीएक्स बाई डीटी इसकी वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ओ। लेकिन कहीं अगर ये पार्टिकल भी मूव करने लगे, मतलब ओ पॉइंट जो है वो भी मूव करने लगे, तो फिर रिलेटिव। तो हम ऐसा भी सिखाया है मैंने, देखो ये भी सिखाया है आपको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच याद है। ये पॉइंट है मान लो कोई ए, और ये पॉइंट है कोई बी, और ये डिस्टेंस है उनके बीच की आर। अब मैं बोलता था कि ए की वेलोसिटी यहाँ है क्या वी ए, और बी की वेलोसिटी चलो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे है ऐसे वी बी, ये डिस्टेंस आर होती थी। तो फिर अब मैं बोलता था ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी अगर मैं बोलूं या सेपरेशन वेलोसिटी बोलूं मैं, तो शायद आपको सबको याद हो कि ये थीटा वन मानते थे हम इसको, और इसको कुछ थीटा टू मान लेते थे। तो वीवी का एक कॉम्पोनेंट यहां आता था क्या, वीवी कॉस थीटा टू, और ये वाला साइन थीटा टू। ऐसे यहाँ पे ये आता था, और एक ये है वी ए कॉस थीटा वन, और ये है हमारा वी ए साइन थीटा वन, ठीक है। तो ए और बी के बीच जो आर का रेट ऑफ चेंज है, देखो ये आर है पूरा, आर का रेट ऑफ चेंज बताओ भाई, डी आर बाई डी टी क्या लिखते हैं आप? थोड़ा ध्यान दो अभी ध्यान देना है सबको। डी आर बाई डी टी, मैं ये आर एक वेक्टर है मेरा, आर क्या है वेक्टर, किसके रिस्पेक्ट में, किसका पोजीशन वेक्टर है ये, ए के रिस्पेक्ट में बी। देखो ए से स्टार्ट होके कहां जा रहा है ये, देखो ये है मेरा पोजीशन वेक्टर, दिस इज एक्चुअली ये है पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, एंड दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बोलो सही है। तो फिर आप इसको डी आर वेक्टर अपॉन डी टी लिखोगे, देन व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां लिखना है आपको, क्या लिखोगे, आर वेक्टर क्या है आप खुद लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फिर इसका डी आर वाई डी टी को क्या लिखोगे। अब देखो डी आर वाई डी टी को आप प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो। हाँ सर, मान लो मैं लिख रहा हूं डी आर वाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर आर बढ़ रहा है तो बताओ इस आर को बढ़ाने वाला कौन दिख रहा है आपको, ये आर है इसको कौन बढ़ा रहा है, बीबी कॉस थीटा टू, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं अभी, बीबी कॉस थीटा टू, और ये देखो ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो माइनस वी ए साइन थीटा, वी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये बात समझ में आई नहीं आई अभी सर? ऐसे लिखोगे आप इसको, और अगर कहीं आप इसी को माइनस डी आर वाई डी टी लिख दो, समझे, उल्टा करना पड़ेगा फिर तुम्हें, ये इसका मतलब है कि ये बड़ा है, ये कम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये ए और बी के बीच का सेपरेशन का रेट ऑफ चेंज है ओनली, ये
अच्छा ये बताओ, आर को ये वाली वेलोसिटी घटा या बढ़ा सकती है क्या ये दोनों? नो सर, नहीं। क्या कर रहे होंगे? अब देखो ये क्या कर रहे हैं, मतलब मैं लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया है मैंने। ये क्या पढ़ा है मैंने? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। इसी को मैं अप्रोच भी बोल सकता हूँ और सेपरेशन भी बोल सकता हूँ, या आर के घटने या बढ़ने का रेट बोल सकता हूँ। बोलो, एक ही बात ध्यान रखना, दो पार्टिकल्स के बीच का अप्रोच मतलब आर के घटने का रेट, और दो पार्टिकल का सेपरेशन मतलब आर के बढ़ने का रेट। लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। बोले, बोलो समझे? हाँ सर। यहां पे देखो आप, यहां पे क्या किया है आपने, ये भी वही हो रहा है। देखो आपने d थीटा बाय dt लिखा, ये इसकी वेलोसिटी कहां होगी? यहां होगी ना, ये पार्टिकल की वेलोसिटी तो यहां होती है ना। तुम एक बात बताओ, इसका dr बाय dt जो है ये r है ना, इसका इसका dr by dt मैंने बोला था वेलोसिटी होता है v वेक्टर। यस सर। तो यहां पे dr by dt, इस इंस्टेंट पे dr by dt मैंने बोला था ये v वेक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई कहीं कोई गलती नहीं है इसमें, है ना? हाँ सर। ठीक है, और d थीटा बाय dt क्या होता है? ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर होता है। ठीक, ओमेगा वेक्टर होता है ना बेटा? हाँ सर। आपको ये भी पता है v बराबर r ओमेगा होता है? वेक्टर फॉर्म में देखे तो v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है ना। यही चीज है। अब यहाँ देखो आप, समझो इसको ध्यान से, इस डायग्राम में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में इनका ओमेगा चाहिए। देखो ए और बी को देखो आप, अगर मैं ए पे बैठ जाऊं, अगर मैं ए पे बैठ जाऊं तो मुझे बी क्या दिखेगा? बी मुझे इस वेलोसिटी की वजह से, देखो ये वाली जो वेलोसिटी dr by dt, ये इसकी वजह से मुझे ये दूर जाता हुआ दिखेगा। और साथ में जरा यार ये वाली वेलोसिटी देखो, ये और ये वाली वेलोसिटी, इसकी वजह से इसको तो मैंने रेस्ट में कर दिया, a पे बैठ गया मैं। अब बताओ b क्या करता हुआ दिखेगा? ये वाली मोशन तो हो गई, ये दूर जाता हुआ दिखेगा, वो खत्म हो गया। अब और बताओ और क्या करता हुआ? साइड पे जाता हुआ दिखेगा, घूम रहा होगा। ठीक, घूम रहा होगा। अब थोड़ा सा क्लिक हो रहा है, घूम रहा होगा मतलब ये कि अगर मैं ए को रेस्ट में कर दूं, मतलब ओ को, ए को ओरिजिन मान लूं, ओरिजिन या सेंटर मान लूं, जैसे यहां माना था, ठीक है, और एक रेफरेंस बना लूं, ये क्या बना लूं, एक रेफरेंस लाइन बना लूं, ये रेफरेंस लाइन बना ली, और ये आर वेक्टर जो है इसका कुछ ये एंगल ले लिया मैंने रेफरेंस लाइन के साथ, ये एंगल है कितना? बीटा। क्या फर्क पड़ता है, बीटा मान लेते हैं या थीटा मान लो, थीटा में क्या प्रॉब्लम, थीटा भी तो माना, थीटा टू थीटा माना है, वो तो है कि नहीं? मान लिया। चलो अब बताओ, अगर तुम ए को रेस्ट में कर दो, ए पे बैठ जाओ, तो क्या ये बी तुम्हें कुछ ऐसा घूमता हुआ नजर नहीं आएगा? ये आर वेक्टर जो है ये तो मैं ऐसे घूमता हुआ नजर नहीं आएगा? मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में बी में एक एंगुलर वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के साथ जो थीटा है वो भी वेरी कर रहा है। और मैंने अभी सिखाया सर्कुलर में कि जब भी रेफरेंस लाइन के जब थीटा है वो वेरी करता है, तो इसमें ओमेगा होता है। अब ओमेगा कहाँ होता है, अब ये सब सर्कुलर में बताया तुम्हें, जरूरी थोड़ी कि सर्कुलर ही में हो, यहाँ पे सर्कुलर मोशन थोड़ी हो रही है, ये थोड़ी सर्कुलर मोशन है, रेडियस कांस्टेंट नहीं है इसमें, इसमें सर्कुलर भी एडेड है और प्लस
जो हम जनरल लीनियर पढ़ते थे वो भी हो रहा है, मतलब इसमें आर सिर्फ रोटेट सर्कुलर में क्या होता है, प्योर सर्कुलर मोशन में आर सिर्फ रोटेट करता है, मतलब आर के डायरेक्शन में, देखो ये आर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है वो नहीं होते, जीरो होते हैं, वो सिर्फ आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होते हैं, इसमें तो वो भी नहीं है, इसमें तो जीरो ही है, समझे? तो इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में भी वेलोसिटी है और इस पॉइंट में भी वेलोसिटी है, तो इसीलिए मैं अब इसको ओ मान सकता, इसको मैं ओ मान सकता हूं, बस डिफरेंस क्या है सर्कुलर और इसमें, इसमें ओ भी सेंटर भी चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा डी थीटा बाय डी टी को मैं क्या मानूंगा। अब एक बात और बता दूं कि यहां पे रेफरेंस लाइन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, आप जरूरी नहीं कि यही मानो, आप वर्टिकल मान लो, ऐसे मान लो, ये देखो ये मान लो रेफरेंस लाइन, तो फिर थीटा से मेजर करने लगोगे आप, और क्या है, चेंज तो है गई, क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, आप रेफरेंस लाइन कहीं भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये अगर थीटा है तो मैं क्या बोलूंगा डी थीटा बाय डी टी क्या है बोलो, ए के रिस्पेक्ट में बी का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिस्पेक्ट टू ए, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं अगर यहां बी पे बैठ जाऊं, ठीक है, मैं बी पे बैठ जाता हूं और रेफरेंस यहां बना लेता हूं ये, और ये थीटा मान लेता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो अभी सेम चीजें आएंगी, देखना अभी मैं बताता हूं, चलो ये डी थीटा वाई डी टी बराबर, बोलो क्या लिखोगे आप, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है बेटा, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, यहां से निकालो, अच्छा कौन सी वेलोसिटी लोगे आप इसमें जो जिसकी वजह से ये थीटा बदल रहा हो, ये लाइन जॉइनिंग के फॉर्मूला, और इसका मैं बता दूं तुम्हें अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो डी थीटा बाय डी टी मैग्नीट्यूड लिखते हैं बराबर, क्या बोलना है एक बार जरा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी ए, या इसी को मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डी थीटा बाय डी टी। अच्छा इसी को मैं आगे, अब इसका फॉर्मूला लिखना है मुझे एक्चुअली में, क्या लिखूं बताओ, ओमेगा बराबर तो मुझे पता है वी बाई आर होता है, क्या होता है वी बाय आर, तो वी बाई आर ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, अब मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूं जो दुनिया में हमेशा वैलिड रहेगा, क्या होता है देखो, ये होता है v रिलेटिव परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग अपॉन r, मतलब लाइन दिस लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, सीधी बात, लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, एक ही बात, लेकिन ये तो वेरी होगी ना, ये इंस्टेंटेनियस लिखा, देखो डी थीटा बाय डी टी, हाँ समझ गए, ये हर इंस्टेंट पे वेरी हो सकती है, इसीलिए तो देखो ना डी थीटा बाय डी टी लिखा गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक, इंस्टेंट पे अलग अलग होगा, और दैट्स व्हाई हमें इसको अगर पूरा फाइनल किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ फाइंड करना हो तो इंटीग्रेट करोगे, फिर आप इसको इंटीग्रेशन से फिर डील करेंगे आगे, तो पहले तो मैं इसको क्या लिख दूं, कोई बताओ मुझे, ओमेगा बी ए बराबर, बोलो चलो बताओ, अब लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये नहीं ये नहीं, ये वाली वेलोसिटी देखनी है और ये वाली देखनी है, ठीक, हाँ, हाँ, इसकी देखो बी की वेलोसिटी ये वाली क्या है, बी बी साइन थीटा माइनस
और ये माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। ये अगर तुम प्लस ले रहे हो तो ये माइनस में आएगा, समझे? हाँ यहाँ पे बोलो बीबी साइन थीटा टू प्लस बी ए माइनस बी ए साइन थीटा वन, और कौन बोलो डिस्टेंस आर। ये जनरलाइज किया मैंने इसको। इसके बिना तुम कभी भी, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, अच्छा देखो कौन सा क्वेश्चन था, याद करो वो एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन जो था। हाँ हाँ याद है। क्या होता था उसमें, उसमें क्या होता था, तीनों पार्टिकल्स चलते थे एक दूसरे की तरफ, है ना? अब तुम सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो सेंटर तो रेस्ट में है। और पार्ट, चलो ये ए वाला पार्टिकल देख लेते हैं, तो ये वाला पार्टिकल ए हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब क्या बोलोगे तुम, इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है ना सेंटर की, लेकिन इसकी वेलोसिटी देखो ये चेंज हो रही है, अभी यहां पे है फिर ये बदलेगा, मतलब इसका जो थीटा है, ये लाइन जो आर है, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखो यहां है अभी ये, फिर मान लेते हैं कि ये यहां कहीं आ गया, फिर ये यहां कहीं आ गया, और ये यहां कहीं आ गया, फिर इसको ज्वाइन करोगे तो ये आएगा, देखो ऐसे देख रहे हो तुम, ये आर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आर किस वजह से कम हुआ, इस वेलोसिटी के इस कॉम्पोनेंट की वजह से अलोंग द लाइन। और सोचो जरा, और ये जो एंगल है इसका, ये देख रहे हो, किसी के भी साथ, अब एंगल तुम किसके साथ देखोगे बताओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चूज अ रेफरेंस, तो मैं रेफरेंस कहां बनाऊं, मैं चलो ये वर्टिकल मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं रेफरेंस है, तो ये थीटा है, अब तुम बताओ ये थीटा क्या चेंज नहीं हो रहा, कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं डी थीटा बाय डी टी क्या लिखूंगा, ये थीटा है, अगर अगर ये थीटा है तो मैं डी थीटा, देखो ये थीटा है, तो मैं डी थीटा बाय डी टी बताओ क्या लिखूंगा, ऐसे चलो एक इसी के लिए बना ही लेते हैं, ये वी है, ये थीटा है, और ये कॉम्पोनेंट बनाने हैं, तो वी का एक कॉम्पोनेंट आप क्या करोगे, और एक कॉम्पोनेंट यहां करोगे, तो मुझे आप आर जो है, ये आर, इस आर का जो डी आर बाय डी टी लिखोगे वो नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि ये जो कॉम्पोनेंट है ये कम कर रहा है आर को, तो माइनस डी आर बाय डी टी बराबर इस वी का ये कॉम्पोनेंट है कि नहीं, पैरेलल, क्योंकि इसकी तो जीरो ही है, अगर ये भी चल रहा होता तो फिर रिलेटिव में करना पड़ता, रिलेटिव लिखना पड़ता। अच्छा, इसका मतलब मैं पाथ जो है वो इसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूँ। हाँ सर, इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर इसकी वेलोसिटी भी उस इंस्टेंट में बनाऊंगा, और फिर दोनों की वेलोसिटी का लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रिलेटिव लिखूंगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो डी आर बाई डी टी को, समझे? और यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी को मैं क्या लिखूंगा, डी थीटा बाय डी टी को मैं लिखूंगा, एक्चुअली व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मान लेते हैं, समझ में आया? यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी ओमेगा के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूशन वेलोसिटी का, तो ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा, मतलब कि d थीटा बाय dt को मैं क्या लिखूंगा, v परपेंडिकुलर अपॉन r, v परपेंडिकुलर अपॉन r। अब देखो आप यहां पे v का जो कॉम्पोनेंट आएगा उसमें भी थीटा आएगा, थीटा के फॉर्म में, तो यही यहां पे लिखो क्या, और यहां पे भी थीटा आएगा। आप देखो यहां पे हमारे पास किसका फंक्शन बन गया, एक थीटा का फंक्शन बन गया और टाइम का, और आर का बन गया, हाँ आर का, थीटा के फॉर्म में एक दो इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास, है ना? हाँ। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक? यस सर। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो ये बताओ स्पाइरल जो है वो अंदर की तरफ भाग रहा है कि बाहर की तरफ भाग रहा है, अंदर, जो स्पाइरल पाथ होगा वो जा रहा है अंदर, अंदर फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना? यस सर। ऐसे स्पाइरल को बोलते हैं
ऐसे स्पाइरल को बोलते हैं लॉगरिथमिक स्पाइरल. क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक स्पाइरल. स्पाइरल मतलब कि जो भी फंक्शन आएगा ना, जो भी इक्वेशन आएगी इसकी ट्रेजेक्टरी की, वो लॉग के फॉर्म में आएगी. और अगर कहीं यही सेंटर से बाहर की तरफ भागता, जैसे मान लो एक पार्टिकल है वो ऐसे चल रहा है, देखना ऐसे स्पाइरल में भाग रहा है ऐसे, तो ये बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ स्पाइरल कम हो रहा था, देखो स्पाइरल ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है, और यहाँ देखो बढ़ता जा रहा है. तो जब ये अंदर की तरफ खत्म हो तो बोलते हैं लॉगरिथम के स्पाइरल, और जब बाहर की तरफ इंक्रीज होता हुआ चले तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल. हाँ सर समझ गए. एक्सपोनेंशियल मतलब अगर मैं इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल ई की पावर में आएगी, एक्सपोनेंशियल. तो ये दोनों ही हम लोग निकालना, दोनों ही निकालना सीखेंगे, इसको भी और इसको भी. समझे ना? सर. लेकिन अभी तो मैं एक जरा सा, अभी प्रॉपरली नहीं बता रहा हूं मैं, अभी मैंने तुम्हें एक जरा सा ऐसी थोड़ा फील कराने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं, ये तो दूर की बात है, अभी तो हमें यहीं पे इसको ही समझना है. पहले तो पहले ये बताओ, इतनी बात ये क्लियर हुई कि हमें क्या क्या किया मैंने ये? सर. अच्छा तो ठीक है, ये अच्छी लिखना है. चलो ठीक है, इसको लिख लो पहले आप लोग, ठीक है, ये जरूरी है, लिख लो. एक सेकंड रुकना अभी तक थोड़ा सा. अगर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं फील करा दूं आपको, जैसे मान लेते हैं देखो ये एक्स एक्सिस है, इसको अलग मत समझो कुछ के सर्कुलर मोशन पड़ रहे हैं, नहीं. हम तो जनरल कहीं भी कोई भी मोशन हो मैं उसको फील कर लूंगा कि भाई ये कौन सी मोशन है, मैं आराम से देख लूंगा. देखो ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, चलो यहाँ जेड एक्सिस आई थिंक यू कैन इमेजिन कहाँ है, बाहर की तरफ होगा. ठीक, एक बड़ा सिंपल बोल रहा हूँ, एक पार्टिकल है वो यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एक पार्टिकल, पार्टिकल पी है, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, देखो सीधा चला जा रहा है. अब तुम बताओ अगर मैं ओरिजिन पे बैठा हूं, मान लो ओरिजिन पे मैं एक ऑब्जर्वर को बिठा दू, ये पर्सन क्या बोलेगा बताओ, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन तो कर रहा है. इसके इसके रिस्पेक्ट में इसकी ओमेगा है कि नहीं बताओ? मैंने बोला था आप बिल्कुल फ्री हो रेफरेंस लाइन मानने के लिए, आप इसको मान लो, वाई को मान लो रेफरेंस लाइन, मैं एक्स को मान लेता हूँ, तो फिर ये बताओ ये क्या है? अब तुम क्या, तुम्हें लगता है कि, अच्छा ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये आर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यार. देखो ना ये आर ऐसे ही, जब ये पार्टिकल यहां जाएगा तो ये आर बड़ा हो जाएगा, है ना? तो एट दिस इंस्टेंट कैन यू टेल मी व्हाट इज डी आर बाई डी टी? कोई भी बता सकता है डी आर बाई डी टी क्या होगा? कॉस थीटा. यस बता सकते हैं यार. वी का क्या करो, सीधी बात है, वी के कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे आप, ये लो v का, ये देखो थीटा है तो ये क्या आएगा, v पैरेलल. क्या बोलो? v का स्टेट v पैरेलल. और ये क्या है, v परपेंडिकुलर टू r. अब देखो यहाँ पे dr by dt हो जाएगा इन दोनों का, अब ये तो रेस्ट में है, इन दोनों का r के जो r के पैरेलल रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो मैं लिखूंगा v cos थीटा. सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इक्वेशन. अब हाँ ओमेगा क्या लिखोगे? ओमेगा ऑफ पी, ओमेगा ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन बताओ क्या लिखोगे? वेरी गुड, बी साइन थीटा अपॉन आर. और साथ में इसको क्या लिखेंगे हम? अब देखो गलती कर दी तुम लोगों ने, नेगेटिव में. Yes. Minus theta by dt. Negative. Wow. ये second equation. तो ये आपको हमेशा ऐसे आपको think करना पड़ेगा, ठीक है? सर वहाँ पे minus d theta क्यों? कम हो रहा है. कम हो रहा है. Particle आगे जाएगा, तो ये r vector यहाँ जाएगा, तो theta decrease होगा ना? हाँ समझा सर. समझ में आई? यस सर. यस सर.
तो ये थिंकिंग आप डेवलप करो पहले तो, इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपको सोचना है हमेशा कि कोई भी पार्टिकल चल रहा होगा ना और कोई भी देख रहा होगा वो हमेशा बोलेगा कि इसका आर चेंज हो रहा है और साथ में इसके रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल रोटेट भी हो रहा है, समझ। तो ये है मोशन को। अब देखो और कोई होगा जनरल, जो हमने अभी तक जो सीखा था वो कोई भी जनरल पर्सन सीखे बोलेगा क्या तुरंत, पता है क्या करेगा, वो इस पी के कोऑर्डिनेट्स लिखेगा एक्स कॉमा वाई लिखेगा ना, यस सर। फिर एक्स कहाँ है, एक्स ये है। अब आप बताओ एक्स ये है, एक्स एक्स का रेट ऑफ चेंज डीएक्स वाई डी टी, क्या वो वी नहीं बोलेगा? हाँ। और वाई ये है वाई, वाई का रेट ऑफ चेंज बोलेगा जीरो, क्योंकि वाई में तो वेलोसिटी है ही नहीं, देख लो। लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, मैंने तो एक्स और वाई को यूज ही नहीं किया, मैंने आर और थीटा के फॉर्म में लिखा है सब चीजें। तो मैं पूरी क्वेश्चन को हम आगे किसमें कन्वर्ट करके सीखेंगे, पोलार को फॉर्मेट में, पोलार कोऑर्डिनेट्स में। अब क्यों सीखेंगे, क्योंकि पोलार कोऑर्डिनेट्स में मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो आप पोलार कोऑर्डिनेट से करोगे, और अगर जनरल क्वेश्चन होगा कोई ऐसा ही सिंपल वाला तो वो आप एक्स और वाई से भी कर सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से तुम वैसा क्वेश्चन कर लोगे तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे स्पाइरल वाली पाथ की इक्वेशन निकालनी है तुम्हें तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी आपको, और पोलार से सिंपली बिल्कुल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमें सोचना है कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी एक नोट में आप लोग लिख लेना इसको, पहले नोट करो फिर क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको और अच्छे से फील होगा एक्चुअली, ठीक है सर। हेडिंग क्या दे, हेडिंग डालो एंगल, ये लिखा है, ये डली हेडिंग, ये है हेडिंग सर। वरना और कुछ अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो कर दीजिए, हम बाद में लिख लेंगे एक साथ अच्छे से। नहीं नहीं लिख लो अब, तो टाइम नहीं बचा एक्चुअली में, अब मुझे एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, सीधे क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें फील कराना है बस। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही जरूरी है, वो मैं क्वेश्चंस भेजूंगा तुम्हें। सर आज डाउट लेक्चर में कौन से टॉपिक के डाउट डिस्कस करने वाले हैं बताओ, किसके करें आप बोलो। फिल्म के कुछ क्वेश्चन है वो भेज देते किसके? हाँ सर, एनएलएम के मॉड्यूल के। हाँ हाँ ठीक है, एनएलएम के भेजो, ठीक है एनएलएम के भेज देना क्वेश्चन, तो वही डिस्कस करेंगे। सर्क्यूलर का स्टार्ट कर दे क्या मॉड्यूल? क्या कह रहे बेटा? सर्क्यूलर की मॉड्यूल स्टार्ट कर दे क्या? बिल्कुल करो, सर्कुलर की मॉड्यूल स्टार्ट करके खत्म कर दो। हाँ सर ठीक। सर ओपन ऑफिस एक मिनट सर।
सर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट सर, बस एक मिनट। हो गया सर। सर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मत लिखो अभी सर, एक मिनट, पिछली स्लाइड। वो ट्रायंगल वाला मत लिखे क्या सर? नहीं, उसका क्वेश्चन कराएंगे पूरा, तब अच्छे से लिखना उसको। सर अपन ने मतलब पहली बार किया था, तो अपन ने दूसरी मेथड से किया था, तो वेक्टर से किया था, तो अभी अपन एंगुलर वापरेंगे। लिख लिया सर। हो गया सर। सर एक मिनट, सर एक मिनट रुको, एक मिनट। सर हो गया। खत्म। हाँ और कुछ बता रहे हो क्या सर? बस इतना पर्याप्त है। हाँ सर, हमारे लिए भी बहुत हो गया। देखो एक चीज और बतानी है मुझे अभी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ सर, वो क्वेश्चन में भी था। हाँ, ये बस दिस इज द लास्ट टॉपिक।
वही था सर डाउट आज वो उस दिन के क्वेश्चन। चलो तो आगे फिर करेंगे सर, फिर वो क्वेश्चन ही कर लेंगे डायरेक्टली। कौन सा क्वेश्चन करना ही नहीं, ये अलग चीज है, रेडियो सॉफ्ट कर भी सर, वो नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, दो पांच मिनट का है बस, ठीक है? हाँ चलेगा। चलो ओके बाय बाय सर। बाय सर। और एक वो टॉपिक है अर्थ के रोटेशन, एनएलएम के क्वेश्चंस भेज देना अपने तुम लोग, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अब बोलो सर। बोलो क्या बोला? वो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपेरेंट वेट, वो भी है ना? बाकी बेटा अभी नहीं है, वो ग्रेविटेशन में आता है। हाँ क्योंकि वो इसमें दिया था ना मॉडल में, इसलिए पूछ लिया। दे दिया होगा एक आध क्वेश्चन ऐसे ही। हाँ ठीक है सर, मैं बता भी दूंगा आपको, लेकिन अभी एक्चुअली मैं रीड नहीं है, वो ग्रेविटेशन का टॉपिक होता है वो, ठीक है? ओके सर। बाय 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 बाय।